हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मैं क्यों फेल हुआ IBPS PO मेंस के एग्ज़ामिनेशन में, और वो भी इतनी बुरी तरीके से। तो आज इस वीडियो में मैं अपनी गलतियों के बारे में आप लोग से शेयर करूंगा मैं अपनी गलतियों को, ताकि आप अपने फ्यूचर, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं सब कोई बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, किसी ना किसी एग्ज़ाम का फोकस तो ज़रूर होगा। तो मैंने क्या गलतियाँ की है और आप लोग क्या मेरे गलतियों से सीख सकते हैं, तो वो सब बात मैं आज डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो ये देखिए, मेरा स्कोर कार्ड इतना इतनी बुरी तरीके से मैं फेल हुआ हूँ। मुझे मुझे पता था कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन इतने बुरे नंबर की उम्मीद नहीं थी मुझे। तो गलती क्या, तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा दोस्तों कि कभी भी खुद को किसी से कम मत समझिए, कभी भी। और हमेशा मतलब कम किसी से मत समझिए अपने आप को कि मुझसे तो होगा नहीं। मतलब कभी भी कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए। मेरा क्या था, मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मेरा प्री होगा, क्योंकि मैं पिछले, अगर बात करूं तो काफ़ी दिन हो गए हैं, मतलब 2 3 4 साल से मैं बैंकिंग का तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, मैंने पहले जो गलतियाँ की मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कंटिन्यूटी और बिल्कुल मोटिवेशन के साथ बिल्कुल कंटिन्यू आपको तैयारी करना पड़ता है। अगर आप सीरियस नहीं है तो मुश्किल है, अगर आपने ठान लिया कि आपको करना है तो करना है। तो बैंकिंग में जॉब लेना, मतलब अगर मन से भी आप 6 महीने भी अगर तैयारी कर लेते हैं तो आप आराम से बैंक में जॉब ले सकते हैं। लेकिन मन से एकदम चाह लिए तो ऐसे नहीं कि किया फिर छोड़ दिया, किया फिर छोड़ दिया। तो मैं वो गलती के बारे में तो नहीं बात करूँगा। सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज़ मत कीजिए। मेरा क्या था, मुझे कहे ना, मुझे मतलब विश्वास ही नहीं है खुद पे, मुझे खुद पे विश्वास ही नहीं था कि मेरा IBPS PO का प्री होगा। मैं तो बस ऐसे ही लगता था कि आरबी क्लर्क हो जाए, IBPS क्लर्क हो जाए, क्योंकि मैं इसलिए ये सब बातें मेरे माइंड में आती थी क्योंकि इंग्लिश मेरा काफ़ी वीक है। मुझे पता था कि मैं और सब्जेक्ट को अच्छा कर लूँगा, लेकिन मुझे खुद पे ये नहीं विश्वास था खुद पे कि मैं इंग्लिश को मैं कर सकता हूँ। और मुझे खुद अभी भी नहीं कॉन्फिडेंस है। तो मैं यही कर रहा हूँ दोस्तों कि कभी भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। अगर सब कोई कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे मेरे में बहुत ही कॉन्फिडेंस का कमी है। दूसरी बात है क्या है फ्रेंड्स, कि वही कॉन्फिडेंस के कमी के चलते ही हम लोग क्या करते हैं, पहले प्री का तैयारी करते हैं, पहले प्री का करते हैं उसके बाद मेंस का। दोस्तों, जैसे प्री के रिजल्ट के बाद मुश्किल से 20 दिन होते हैं, और आपने जो भी तैयारी की है वो प्री लेवल की है। अब प्री लेवल के रीजनिंग, प्री लेवल के मैथ्स आपने सॉल्व किया है, मेंस में कुछ ज़्यादा तो नहीं है लेकिन उससे हाई लेवल के आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आप 20 दिन में नहीं कर सकते। 20 दिन में आप करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं कर सकते, 20 दिन में मेंस के रीजनिंग की तैयारी नहीं कर सकते, 20 दिन में आप मेंस की तैयारी नहीं कर सकते, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी नहीं कर सकते। तो ये नहीं, जैसे कि बहुत कोई क्या करते हैं कि पहले प्री का इंतज़ार करते हैं कि मेरा प्री होगा उसके बाद मैं इसकी तैयारी करूँगा, लेकिन रियलिटी वास्तविकता है कि 20 दिन में तो हो नहीं सकता। तो करना क्या है कि जिस दिन से क्या मतलब कि जब से मतलब तैयारी करिए, तो प्री और मेंस का साथ में कीजिए। आप जैसे कि 1 सप्ताह होता है तो डेली तो पढ़ाई करना ही है, तो आप मंडे से फ्राइडे कीजिए ना भाई, प्री का सारा कुछ पढ़िए। लेकिन एक दिन तो है, जैसे कि इधर आने वाला एग्ज़ाम कौन सा, SBI क्लर्क है, SBI PO है, RRB PO है, क्लर्क है, तो सिलेबस अगर हम पूरा बैंकिंग का देखें तो क्या है, यही ना, रीजनिंग पूछेगा, GA पूछेगा करेंट अफेयर्स जिसमें, और इंग्लिश पूछेगा, DI पूछेगा, मैथ्स हम लोग को पढ़ना है, अगर RRB जाते हैं तो वहाँ पे हिंदी और कंप्यूटर, यही सब पूछेगा ना। बाकी तो अगर देखें तो सारे एग्ज़ाम का सिलेबस सेम ही है, तो हम क्यों ना सबका पहले से ही तैयारी करें। हम स्टार्टिंग से ही प्री का भी तैयारी करें, मेंस का भी तैयारी करें, प्री के भी मॉक बनाएं, मेंस के भी सेक्शनल मॉक्स बनाएं।
क्यों ना मैं डिस्क्रिप्टिव की तैयारी पहले से करूँ, कंप्यूटर पहले से ही मैं कंप्लीट कर लूँ, ताकि एक बार बस एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर पाऊँ। मैं क्यों नहीं करंट अफेयर्स डेली करूँ? तो ये सब गलती बिल्कुल कभी मत कीजिएगा फ्रेंड्स, कि मेरा प्री होगा उसके बाद मैं मेंस का तैयार करूँगा, कभी। सबसे बड़ी गलती ये है, सबसे पहली सबसे बड़ा गलती तो ये है कि कभी भी अपने आप को, मतलब ऐसा मत सोचे कि मुझसे होगा ही नहीं, कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ मत कीजिए। और दूसरी बात है कि प्री और मेंस की तैयारी साथ में कीजिए, आप स्टार्टिंग से ही कीजिए। और हाँ, और खुद पे विश्वास रखिए, सबसे बड़ा हथियार हम लोग का है कि खुद पे विश्वास रखिए। दोस्तों मुझे यकीन नहीं था कि मेरा प्री निकलेगा, थोड़ा सा उम्मीद था मुझे IBPS PO से कि मेरा प्री निकल जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट्स किए थे मैंने। और वो भी मुझे डर था कि अगर इंग्लिश में मेरा का सेक्शनल कट ऑफ पार हो जाए या 10 नंबर या 12 नंबर आ जाए तो मुझे, मेरा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि पेपर मुझे ठीक आसान लगा था। आप मेरा स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं, रीजनिंग में मुझे 34 नंबर आए हैं 35 में, मैथ्स में शायद 23 या 24 है, और इंग्लिश में नॉट, ओवरऑल मेरे 66 मार्क्स थे, कट ऑफ 57 मार्क्स थे। मुझे जिस जिस एग्ज़ाम से उम्मीद थी वो मेरा नहीं हुआ, मुझे मेरा RRB PO सही नहीं गया था तो उससे मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे RRB क्लर्क से उम्मीद थी, बट वो भी नहीं हुआ। उसके बाद IBPS क्लर्क से उम्मीद थी, वो भी नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स यही सब गलतियां मैंने की, और यही सब गलतियां आपको नहीं करना है। तो वही सबसे पहला तो है कि खुद पे विश्वास रखिए, किसी को आप खुद से कम मत समझिए, किसी से भी, खुद को हमेशा मतलब पॉजिटिव रहिए। दूसरी बात, प्री मेंस की तैयारी साथ में कीजिए, चाहे वो स्टार्टिंग से रीजनिंग तो पढ़ना ही है, मैथ भी पढ़ना ही है, करेंट अफेयर्स डेली हमको पढ़ना है, रिवाइज करना है डेली, और कंप्यूटर का भी एक बार मुझे पढ़ना है, हिंदी भी बीच बीच में अगर संडे को टाइम मिले तो हिंदी भी पढ़ लीजिए। तो यही सब बातें थी दोस्तों, तो आई होप आप लोग को इस वीडियो से मदद मिले, कुछ हेल्प हो। और जो गलतियाँ मैंने की है आप दोबारा मत कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। मैं पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूँ और अब लग रहा है कि मैं हार गया हूँ, मुझे में हिम्मत ही नहीं कि मैं दोबारा करूँ, इतना गंदा जो मार्क्स मेरा आया था। तो बट जो हुआ जो हुआ, अब वो रोने से तो कोई फ़ायदा आया नहीं, अब जो हुआ अब तो डट के अब क्या मुकाबला कर सकते हैं, पढ़ाई करना पड़ेगा, अगर जॉब लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और तो कोई उपाय है नहीं। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो से हेल्प मिला होगा, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।